हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वी बेल्ट और बेल्ट ड्राइव के बारे में। जी हाँ, बेल्ट ड्राइव यानी कि एक ऐसा ड्राइव जिसमें किसी भी शाफ्ट को, जिस शाफ्ट में पुल्ली लगी हुई है, उस पुल्ली के थ्रू किसी और शाफ्ट में लगी हुई पुल्ली को घुमाएंगे और वो भी बेल्ट के थ्रू, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं, उसे कहा जाता है बेल्ट ड्राइव। तो बेल्ट ड्राइव में एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है, एक सिंपल सा कैलकुलेशन होता है। उस कैलकुलेशन की बात करेंगे हम यहाँ पर, और हम इस कैलकुलेशन से यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लेंगे कि अब हम कितने की पुल्ली लगाएंगे तो हमें कितना आरपीएम मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर पहला जो पुल्ली है, जिस पुल्ली से पावर देते हैं इस ड्राइव को, यानी कि जो पुल्ली खुद घूमती है और जिसकी सहायता से दूसरी पुल्ली घूमती है, यानी कि जो पुल्ली घूमने का पावर देती है उसे कहते हैं ड्राइविंग पुल्ली। और वो पुल्ली जो इस पहले पुल्ली की सहायता से घूमती है बेल्ट के थ्रू, उसे कहा जाता है ड्रिवन पुल्ली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइविंग पुल्ली जो है वो छोटी वाली है, D1 जो है उसका डायमीटर यानी 8 इंच में है, और इसका N1 जो RPM है वो 1400 RPM है। और वैसे ही D2 है, हमने एक बड़ी पुल्ली लगाई दी है जो कि ड्रिवन है, जो इस पुल्ली के सहायता से घूमेगी। इसका साइज जो है वो 16 इंच है, यानी कि जस्ट इससे डबल है। तो अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि इस पुल्ली का RPM कितना होगा अगर ये बेल्ट ड्राइव से कनेक्टेड है। तो चलिए देखते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है और ये इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो देखिएगा, N1D1 इज इक्वल टू N2D2, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको खाली यही याद करना है। अब हमारे पास N1D1 जो है, हमको क्या निकालना था, N2 यानी कि बड़े पुल्ली का RPM निकालना था। N1 और N2 जो है वो RPM है, तो N2 को हम इधर कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, D2 इधर चला गया, तो यहाँ पर हमारा रिलेशन आ गया N1D1/D2 इज इक्वल टू N2। N1 की वैल्यू मालूम है 1400 RPM है, D1 8 इंच का है, D2 जो है वो 16 इंच का है। हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है 700 RPM, यानी कि जो बड़ा पुल्ली है उसका RPM जो है, RPM यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है, वो रहेगा आपका 700 RPM। तो दोस्तों, इस यहाँ से हमको ये पता चलता है कि अगर हम ड्रिवन पुल्ली का साइज बढ़ा देंगे तो उसका RPM जो है वो घट जाएगा। इसी तरह से हम अगर ड्रिवन पुल्ली का जो डाया है वो अगर छोटा पुल्ली लगाएंगे तो आउटपुट RPM जो है पहले वाले पुल्ली जिससे उसे घुमाया जा रहा है उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से ड्राइविंग पुल्ली का साइज अगर हम बड़ा कर देंगे तो आपका ड्रिवन पुल्ली का साइज RPM जो है वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मोस्टली इंडस्ट्रीज में बेल्ट ड्राइव्स का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसे वी बेल्ट ड्राइव कहा जाता है। ये बेल्ट ड्राइव पावर के हिसाब से और फैन के साइज के हिसाब से, फैन या फिर किसी भी इक्विपमेंट्स के लिए हो, जिस इक्विपमेंट्स को हमें रोटेट करना है इस बेल्ट के थ्रू, उसके हिसाब से वहाँ पर लगाया जाता है। तो दोस्तों, मोस्टली इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा फैन ID फैन यानी कि इंड्यूस ड्राफ्ट फैंस में इसे यूज़ किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।